रोहतक के नागरिक अस्पताल के चपरासी द्वारा एक मरीज को टांका लगाने का मामला सामने आया है। एमरजेंसी वार्ड में एक मरीज चोट का इलाज कराने पहुंचा था, इसी दौरान अस्पताल के एक चपरासी ने एमरजेंसी वार्ड में इस मरीज का इलाज शुरू कर दिया और फिर उसके घाव पर टांके भी लगा दिए। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सिविल अस्पताल के SMO ने चपरासी को कार्यभार मुक्त कर दिया। ये भी जो आपका मामला बता रहे हैं तो मीडिया के संज्ञान से मेरे संज्ञान में भी लाया गया है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व था उसको तुरंत प्रभाव से कार्यभार से यहाँ से रिलीव करके सिविल सर्जन कार्यालय भेज दिया गया है और डॉक्टर के लिए इंक्वायरी कमेटी नियुक्त की गई है। ये जांच का विषय है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इस तरह कभी भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। ये अगेंस्ट प्रोटोकॉल जो काम हुआ है इसकी पूर्ण गंभीरता से जाँच की जाएगी और जाँच कमेटी जो भी सख्त से सख्त जो कार्रवाई करने के निर्देश मिलेंगे जो भी वो रिकमेंड करेगी उसके ऊपर पूरा कार्रवाई की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिलीव कर दिया गया। वहीं इस मामले को CM मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में भी लाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे केस के सामने आने के बाद इन जैसे दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब भी चिकित्सकों की कमी है जिसे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। देखिए, कुछ जो शिकायतें मिलती हैं उसका हम निश्चित रूप से संज्ञान लेते हैं, लेकिन जहाँ तक डॉक्टर्स का विषय है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है वो ज़्यादा है, अभी डॉक्टर्स कम उपलब्ध हैं। अब मेडिकल कॉलेजेस जैसे संख्या बढ़ रही है, 2013 में 2014 में जब हम लोगों ने सरकार संभाली उस वर्ष में कुल 7,500 एडमिशन हुए थे MBBS के, और अभी 2018 के जो एडमिशन हैं वो 14,500 हुए हैं। एकदम डबल संख्या हो गई है, लेकिन जब डॉक्टर बनेंगे आखिर 5-7 साल के बाद ही डॉक्टर बन के आते हैं, तो इसलिए डॉक्टर जैसे जैसे बनेंगे और आएंगे ये कठिनाइयाँ भी दूर होंगी। अभी भी हमारी स्थिति बहुत प्रदेशों से अच्छी। वहीं आपको बता दें कि रोहतक का नागरिक अस्पताल पूरे देश में पहला स्थान रखता है। इस जगह पर इस तरह की लापरवाही होना डॉक्टरों और नंबर एक होने पर सवालिया निशान जरूर उठाता है। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ रोहतक से दीपक खोखर की रिपोर्ट।